Students, welcome to your in 9th class. In series of your study in English subject, we will first take topics of grammar. There are five topics of grammar in ninth class. First, parts of speech, second, subject verb agreement, third, correct form of verb, fourth, indirect speech, and fifth model. First, we will take parts of speech. First of all, I will explain you what is parts of speech. द पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट हाउ द वर्ड फंक्शन इन मीनिंग एज वेल एज ग्रेमेटिकली विद सेंटेंस एज वेल एज ग्रेमेटिकली इन सेंटेंस कैसे एक वर्ड फंक्शन करता है ग्रेमेटिकली मीनिंग के साथ में देअर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रिपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन you have learnt in former classes also i want to give quick introduction about parts of speech first we will take noun noun is the name of person place or thing noun is the name of person place or thing example ram india table there are five types of noun देर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन कलेक्टिव नाउन मटीरियल नाउन एंड एब्स्टेक्ट नाउन फर्स्ट वी विल टेक कॉमन नाउन कॉमन नाउन इन इज अ जनरल नेम इज अ जनरल नेम ऑफ पीपल एनिमल एंड थिंग्स लाइक एज मैन बॉय गर्ल सिटी हॉर्स शुगर ए टी सी सैकेंड प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर नेम कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम एंड प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस थिंग्स सच एज लाइक मीना डैली यू ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर नॉट कॉमन नाउन कॉमन नाउन स्टार्ट नहीं होता है कैपिटल लेटर से प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है थर्ड कलेक्टिव नाउन नेम ऑफ थिंग्स ऑब्जेक्ट्स नेम ऑफ थिंगस ऑब्जेक्ट्स एंड ग्रुप देट आर रेफर्ड एज अ ग्रुप के नेम ऑब्जेक्ट्स के नेम थिंग्स के नेम जो एक ग्रुप को रेफर करती हूँ एंड देट वी कैन काउंट जिसे हम काउंट भी कर सकते हैं लुक एट द एग्जाम्पल टीम टीम इज अ ग्रुप ऑफ परसन हर्ड इज अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट or animals library is a group of books is a collection of book fourth material noun material noun words that refer to substance or material words that refer to substance or material such as water salt oil copper water salt oil copper from we can make another things जिसे हम दूसरी चीज़ें भी बना सकते हैं एब्सट्रैक्ट नाउन एब्सट्रैक्ट नाउन वर्ड्स दैट रेफर टू क्वालिटीज वर्ड्स दैट रेफर टू क्वालिटीज कंडीशंस आइडिया एक्शन फीलिंग्स एंड इमोशन जो वर्ड्स इनको रेफर करते हो हमारी क्वालिटीज़ को रेफर करते हो कंडीशन आइडियाज़ एक्शन फीलिंग्स एंड इमोशन दैट वर्ड कॉल्ड एब्सटेक्ट नाउन लुक एट द एग्जांपल ब्यूटी पोवर्टी विजडम लव एंड एंगर

वर्ड सच एज मैनी एज मैनी अ फ्यू एंड फ्यू आर यूज टू क्वान्टिटी फ्यू अ फ्यू द फ्यू मैनी आर यूज टू क्वान्टिटी ये क्वान्टिटी के लिए यूज़ होते हैं सिंगुलर काउंटेबल में आर्टिकल का यूज़ होता है ए एंड और फ्यू मैनी अ फ्यू ये क्वान्टिटी के लिए मीन्स मात्रा के लिए यूज होते हैं एक्जाम्पल अ काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल लुक एट द अनकाउंटेबल नाउन नाउन दैट डिनोट्स नाउन दैट डिनोट्स मटीरियल सब्सटेंस आइडियाज और कॉन्सेप्ट फीलिंग एंड इमोशन कैन नॉट बी काउंटेड दैट कैन नॉट बी काउंटेड सच एज नाउन आर अनकाउंटेबल नाउन ये जो नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं लुक एट द एग्जाम्पल शुगर ब्रेड मिल्क लव हेट्रेड न्यूज इंफॉर्मेशन गैस फ्यूल मनी वेल्थ we can't count these words हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं शुगर वी कांट काउंट शुगर ब्रेड वी कांट काउंट ब्रेड मिल्क हेटरेड न्यूज गैस इफ यू काउंट गैस नो वी कांट काउंट गैस देन दीज आर दीज वर्ड्स आर अनकाउंटेबल नाउन आई होप यू ऑल आर अंडरस्ट Very well, noun. Now, tomorrow we will meet with pronoun. Till then, bye.